रहीम, शुक्रिया जनाब वज़ी अजम बेसिकली uh, uh, मैं कुछ स्टेटमेंट्स सुनी हैं जी और पढ़ी हैं और वज़ी अजम साहब ने भी उसका ज़िक्र किया कि एक कैम्पेन के तौर पे ये पेश किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा पहले था कि पाकिस्तान बॉन्ड पे नहीं करेगा दो तीन महीने उस चक्कर में कॉम को बिजी रखा अब कि है कि डिफ़ल्ट करेगा कुछ या हो चुका है इस हवाले से मैं चंद गुजारिशात करता हूँ पे जो सवाल होंगे मैं हाज़िर हूँ कि सिर्फ आप ये कंपेयर कर लें कि पी टी आई हुकूमत को और इमरान खान को क्या मिला था जब पी एम एल आर ने गवर्नमेंट छोड़ी थी और ये कहाँ ये छोड़ कर गए हैं वो कम्पेरिज़न काफ़ी है यानी जो महंगाई थी मुल्क में चार अशरिया छः आठ फ़ीसद थी फूड इन्फ्लेशन दो फीसद थी जो जी डी पी ग्रोथ है छः एक फ़ीसद थी स्टॉक मार्केट साउथ एशिया में बेस्ट परफॉर्मिंग थी दुनिया में पाँचवें नंबर पर थी और आ, आपके जो पॉलिसी रेट है जिससे ऑब्वियसली बिजनेस और मीशत का पहिया चलता है वो साढ़े छः फीसद पर था ये वो कोर चीज़ें थी जो कि इनको वरसे में मिली और पच्चीस हज़ार अरब का मजमू कर्जा था क्योंकि इनको शौक था कि ज़्यादा हायर नंबर दुनिया में जा कर ये कहें तो वो तीस हज़ार अरब था यानी मजमू कर्जा और अदायगियाँ हालाँकि अदायगियाँ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं वो पे करनी वो बजट से पे नहीं होनी तो चूंकि तीस हज़ार बड़ा नंबर था ये उसको हर जगह ये जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए गए और फॉरेन विजिट्स किए सऊदी अरेबिया यू अमेरिका, हर जगह पे जाके पहली बात ये होती थी जी कि हमारे हम डेड ट्रैप में हैं और दूसरी बात ये करते थे कि जी यानी हम एक करप्ट नेशन है या हम करप्शन की बात करते और फिर तीसरी बात करते हैं हमारे मुल्क में समवाया करें आप आगे मेरा ख्याल है कोई बिल्कुल ही अकल से पैदल होगा इन्वेस्टर जो ये सुन के कि पब्लिक ड्रैप हम डेड ट्रैप में हैं और दूसरा ये कि हम एक करप्ट नेशन है और करप्शन अरूज पे है और फिर आगे आपके लिए इन्वेस्टमेंट करें ये मुझे उस लॉजिक की समझ नहीं है बहरहाल अभी हम कंपेयर कर दें इन्होंने ये सात क्लेम किया था अपने रिकॉर्ड चेक करें जी मैं आया अगर मुझे कॉम ने मौका दिया तो मैं दस हज़ार अरब इन कर्ज़ों से कम करूँगा पच्चीस हज़ार का जो है पंद्रह हज़ार पे आना था और जो तीस हज़ार था उसने बीस हज़ार पे आना था ये इनकी कमिटमेंट थी कॉम के साथ इलेक्शन में अगर इनको जीत जाते छो, कहाँ छोड़ा इस हकूमत ने पाकिस्तान को बीस बाईस में जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी आई और मिया शवाशी साहब को ज़ारतवा मिली इन्फ्लेशन इंतहाईज पे वो आपके सामने है रुपये का बेड़ा गर्क कर दिया उसको उसकी कीमत आदि कर दी लोगों को खाने की जो अशियाँ हैं वो उसकी कीमतें आप पूरी लिस्ट है किसी चीज़ में सौ फ़ीसद से कम कमी नहीं हुई और दवाइयों की कीमतें तीन सौ से चार सौ फीसद हुआ जो असल वादा था कि एक मैं रेवेन्यू डबल करूंगा कि जी मैं ये इन्होंने तो पी एम एल एन गवर्नमेंट ने तो पाँच साल में डबल किया है मैं एक साल में ये आप आप ज़रा अपने रिकॉर्ड चेक कर लें माजी के आपके मौजूद होंगे एक साल में करूँगा बाकायदा उसकी स्क्रीन शॉट चली पूरे पाकिस्तान में आठ हज़ार करूँगा इन्होंने चार हज़ार ज़रा अंडर फोर थाउजेंड किया वो पच्चीस हज़ार का कर्ज़ा जो है वो ये साढ़े चालीस हज़ार अरब पे लेके गए पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इनक्रीज़ है कभी इतनी तेज़ी के साथ पचहत्तर हज़ार साल कर्ज़ा पच्चीस हज़ार और साढ़े उन्नीस हज़ार का इजाफा सिर्फ बयालीस महीने में नंबर एक नंबर दो जो तीस हज़ार का कर्जा था वो ये साढ़े चौवन हज़ार अरब पे छोड़ के गए यानी ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसमें उसमें इजाफा किया और जो रेवेन्यू का करना था इनका कोई डिसिप्लिन नहीं था कोई तैयारी नहीं थी एक साल इनको ये फैसला करने में लग गया कि जी हम आई में जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमने तो दिनों में पाँच दिनों में बजट दिया बीस तेरह में आके और एक महीने के अंदर आई का प्रोग्राम साइन कर लिए तो ये अब ये जो रेटोरिक है ये हमें तो नुकसान पहुँचाने के मेरा ख्याल है कि इनका ये शायद यानी इंटेंशनल या अन इंटेंशनल ये तो अल्लाह को पता है लेकिन ये ज़रूर था कि हम बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े थे और ये बड़ा मुश्किल फैसला था मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप से और मियाँ आशीद साहब के लिए और शहवाज साहब के लिए कि जी क्या करें क्योंकि आप सब जी शहूर हैं लाइनें लगी हुई थी लंदन में टिकट टिकटे लेने के लिए इनके सीनियर तीन लोग थे सब कहते थे जी ये तो अपने बोझ में चंद महीने और गुजरे लेकिन वो शायद चंद महीने के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पाकिस्तान के लिए इकनॉमिकली आ जाती जैसे श्रीलंका शायद इनकी किस्मत वो था बहुत बड़ी कीमत अदा की और मुल्क सियासत को जैसे अभी वीराम साहब ने कहा कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी और उसके नतीजे में बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा की लेकिन कमिटमेंट्स किसने की थी वो पी ने की थी वो इमरान खान ने की थी इन्होंने उस, उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को ये तबाह करने वाले आज जो मुश्किल का सामना कर रहे हैं ये जिस जो इस हुकूमत ने आके सबसे पहले तो वो उनकी जो कमिटमेंट्स को ताकि आई एम एफ प्रोग्राम देखें ये दुनिया में अब आई एम एफ एक फाइनेंशियल डॉक्टर के तौर पे माना जाता है आपके साथ कोई दुनिया का इदारा डील नहीं करेगा वर्ल्ड बैंक आईएफसी, आईबीआरडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ए डबल आई बी जब तक आप ट्रैक पे नहीं होंगे उस ट्रैक के लिए इन्होंने जो कुछ किया जाते जाते, जाते जो लैंड माइन्स बिछाएं ना सिर्फ अपने कमिटमेंट पूरी नहीं की जो कमिटमेंट्स की हुई थी उसको भी रिवर्स करके चले उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बहुत अरोड हुई वो हर चीज़ को उस शक की निगाह से देखते अभी जैसे वीर कह रहे थे कि वो वो उनको यानी वो कहते जी हमें आप इंश्योर करें कि जो कह रहे हैं वो वाकई सच है और वो वाकई अब करेंगे तो ये एक हमारी बदकिस्मती है कि अभी अरूज पे सियासत ये इस ये सारी वाइब्स इंटरनेशनल जाती है अब इमरान खान को पता नहीं पता कि नहीं पता कि अमेरिका का या वेस्टर्न कंट्रीज का डेट टू जीडीपी कितना है डेट का नंबर इज इन रेलिवेंट इट इज़ डेट टू जी डी पी विच मीन्स एंड विच मैटर्स वो अमरीका का एक सौ दस फीसद है यूके का कोविड के बाद एक सौ एक फ़ीसद है जापान को दो फ़ीसद है आई कैन कोट डजन ऑफ कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हैं जिनके सौ फीसद ज़्यादा है वहाँ तो कोई पॉलिटिशियन या अपोजिशन उठ के ये नहीं कहती कि हम डेट डिफॉल्ट करने लगे लेकिन हमें बड़ा शौक है जब मुस्लिम लीग नू ने हुकूमत छोड़ी तो सिक्सटी टू परसेंट डेट टू जी डी पी आज सेवेंटी टू है तो वट इज़ द प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं और बदनाम करने की जो सर फहरिस्त है वो इमरान खान न्याजी साहब खुद हैं अभी कल मैंने पढ़ा कि आपको पता चलेगा सरप्राइज अल्लाह ना करे ये कभी पाकिस्तान अलग खेल डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा सारी सेवनटी फाइव तो हमारी जो हिस्ट्री है उस पर कभी पाकिस्तान ने अलहदिल्ला बड़ी से बड़ी कमिटमेंट में डिफ़ॉल्ट नहीं किया मैं समझता तो हूँ कि बड़े बोल्ड फैसले पिछले दो महीने में, में वज़ीरम ने किए एक कि हम पैरिस क्लब नहीं जाएंगे भाई आप आप जाएंगे तो जाहिर है कि आप किससे बिजनेस करेंगे हम बॉन्ड वक्त पे पे करेंगे ये ये इसमें शर्तें लगी हुई थी और ये कॉम को ये बाबर करवा चुके थे ये पे, पेमेंट नहीं कर सकेंगे तो मैं आपके तवसत से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो डिफ़ॉल्ट का रेटोरिक है ना ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कबर तक तो जाएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि तो अगर आप ऑप्सेस्ट हो गए कि अपने मुल्क का अपने बेड़ा गृह करना है दुनिया में बदनाम करना है उसकी रिपोटेशन ख़राब करनी है उसकी रेटिंग्स ख़राब करनी है उसको यानी दुनिया के फाइनेशियल दुनिया में वर्ल्ड में नहीं बिजनेस करने देना तो ऐसी स्टेटमेंट्स आर वेरी गुड फॉर दोज हु आर योर एनिमीज तो मैं समझता हूँ कि हर एक को अपने मुल्क का पहले ख्याल करना चाहिए और कोई ऐसी ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे अलहमदिल्ला ठीक है ये नहीं है कि जैसे हमारा बीस सोलह में हम बहुत ज़्यादा यानी कंफर्टेबल थे आज तक भी वो रिकॉर्ड नहीं टूटा 24 बिलियन डॉलर के हमारे ज़खायर थे हमारे करीबन ऑलमोस्ट उस वक़्त के पाँच साढ़े पाँच महीने की इम्पोर्ट का बिल हमारे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व थे अब हम मैनेज कर रहे हैं चैलेंजेस लेकिन ये चैलेंजेस क्या इस हुकूमत ने क्रिएट किए ये चैलेंज वो पच्चीस हज़ार का कर्जा जो साढ़े चालीस हज़ार पे आप छोड़ के गए हैं ये मुल्क का दे, जो डेट सर्विस थी साढ़े साढ़े सत्रह सौ अरब सालाना थी आज ये चार हज़ार अरब क्रॉस कर चुकी है गोइंग टू टच क्लोज टू फाइव थाउजेंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल तो इमरान न्याजी साहब आपने मुल्क को इस मैच पर ला के खड़ा किया है और आप तो इन इन वे लकी निकले कि आप किसी को और पकड़ा के चले गए वरना तो आपका वो असर होता कि शायद क्या मतलब किसी का ना होता पाकिस्तान में ये मैं समझता हूँ कि ये क्लाइमेक्स ऑफ इन है उनको अपना सोचना चाहिए कि मुल्क को ऐसी स्टेटमेंट दे के क्या खिदमत कर रहे हैं एज अपोजिशन में होने के हवाले से तो ना तो मैं समझता हूँ कि हमें एक कोई डिफ़ॉल्ट का को वरी है हम ठीक है मैनेज कर रहे हैं चैलेंजेस देखें आते ही पहले उनकी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया अभी आफत आ गई फ्लड जो है कैटास्ट्रोफी आ गई वही सब हुकूमत ने किया इतने वसाइल की कमी के बावजूद ऑलमोस्ट नबे अरब सत्तर कैश और बीस अरब एन डी एम ई के ज़रिए खर्च कर दिए और आगे कमिटमेंट है कि ये रिकन्सट्रकशन रिहैबिलिटेशन करनी है तो बात यह जी कि इन शाला मैं आपके तवसत से ये ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो डेट का रेटोरिक है ये बिल्कुल गलत है इन ना पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया है ना इनशा पाकिस्तान किसी ऐसी चक्कर में है कि डिफॉल्ट करेगा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जरा साहब आपने घड़ी की बात की तो काले